स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज जो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बनाने वाले हैं कलर पेंसिल से एक स्किन, रियलिस्टिक स्किन। तो ग्रेफाइट पे तो मैंने ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं ऑलमोस्ट ह्यूमन के सभी चीज़ों के कपड़ों पे बचे हुए थे, तो वो भी मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसिकली कलर पेंसिल से। जो मैं यूज़ करूँगा वो होंगी डॉम्स कलर पेंसिल, सुपर सॉफ्ट कलर पेंसिल है और प्राइस जो इनका मार्केट में अराउंड 200 रुपीज़ है। ये वेरी कर सकता है आपके सिटी में, तो आप चेक कर लेना। तो उसी से जो हम लोग आज बनाने वाले हैं, इमेज जो मैं ले रहा हूँ उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो इमेज है वो है दलेर मेहंदी सर की, तो उसी को बना लो। सो लेट्स गो फॉर इट। आई हैव डन विद द आउटलाइंस, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको डॉम्स कलर पेंसिल से। सो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले जो पेंसिल आपको चाहिए यहाँ पे वो होगी नॉर्मल स्किन टोन, और या फिर अगर आपके पास पेल ऑरेंज कलर अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इस कलर का यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो है ये कलर है, तो इसको हम लोग पहले स्टार्ट करना, अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं यहाँ ऊपर से। कैसे आपको करना है, इस तरह से कुछ पेंसिल को पकड़ना है और लाइटली बिल्कुल ऐसा करते जाना है, बिल्कुल लाइटली, थोड़ा सा भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये ग्रेफाइट नहीं है, उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है ये। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग स्टंप हो तो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन बिगनर्स हो तो नहीं हो सकता ये। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ जो इसको करना है, और यहाँ पे ये शेडो आ रही है वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा इसका जो है लेयर लगाओ, जैसे यहाँ पे पग जो है यहाँ पे ये डार्क से शेडो आ गई है, ये साइड में भी आपको कुछ इस तरह से करना है सो दैट डेप्थ जो है फील हो इससे, ठीक है। आई होप आपको कैमरा में दिख रहा होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि कैसा दिख रहा है। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखते हो तो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो मैं इसको और डार्क कर देता हूँ सो डेट आपको विजिबल हो, ठीक है। टाइम लेस में मैं कर देता हूँ। नाउ लुकिंग फाइन, तो स्किन का टोन जो है यहाँ पे आ गया। दस्त वाले एरिया को भी मैंने डार्क लिए, सेम ही कलर पेंसिल मैंने यूज़ की, कोई चेंज नहीं किया था मैंने, क्योंकि उसी से अगर आप लेयर्स जो है थोड़ी ज़्यादा बनाते जाओगे होता जाएगा ऐसे, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आई के पास भी मैंने कर लिया है, जो आईब्रो है उससे जो शेडो आती है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे इस तरफ भी आपको करना है क्योंकि डेप्थ एरिया है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ जो है यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ जो है यहाँ पे एरिया बन चुका है। अब जो है मैं ब्लैक कलर की पेंसिल ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मैं 10B पेंसिल लूँगा ग्रेफाइट में। इसको मैं एक बार पहले शार्प कर लेता हूँ, बिल्कुल पॉइंटेड आप भी कर लो। अगर आप ब्लैक चाहो तो ब्लैक कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास 10B पेंसिल अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क होती है, और अगर आपके पास 12B तक भी अवेलेबल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास सबसे डार्क जो भी पेंसिल होगी आप यूज़ कर सकते हो, अगर ब्लैक आपका ज़्यादा डार्क है तो आप वो कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसको कर लेते हैं। तो आईब्रोज जो होती हैं उनमें हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, तो इसको कुछ आपको पहले लाइट पेंसिल लेना है आपको, जैसे मैं 4H ले लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपको हेयर्स को जो है बनाना है यहाँ पे, इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है आपकी फोटोग्राफ में कहाँ पे कैसे हेयर्स हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इस तरह से लिया मैंने, अब इसको भी मैं 10B पेंसिल, सीधा मैं 10B की यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेफाइट का तो स्केच बना नहीं रहे हैं, तो कलर पेंसिल बनाए तो डार्क हेयर्स होते हैं। इस वजह से हेयर्स आपको ड्रॉ करने बिल्कुल ऑब्जर्व करके, क्योंकि इरेज करने से फिर आपका ख़राब हो सकता है यहाँ पे कलर पेंसिल, ठीक है। ऐसे बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ इस तरह से ब्लेंडिंग में यहाँ पे नहीं भी करूँगा इसकी, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं जो पेंसिल लूँगा वो होगी वो भी पेंसिल, तो चले कर लेते हैं उससे। अब यहाँ ये वाले एरिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर एक बार जो है 10B इस तरह से कर देते हैं। सो इट्स लुकिंग फाइन नाउ, होप करता हूँ आपको भी दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैं बार बार चेक नहीं कर सकता, तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, मैं एंगल चेंज कर दूँगा या फिर मैं कुछ इसका सॉर्ट आउट करूँगा।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं, तो वो आप देख कर बना लो अगर आप बिल्कुल डिटेल बनाना चाहते हो तो, ठीक है इस तरह से। अब यहाँ पे कलर आपको जो लेना है वो होगा येलो। तो कैसा येलो आपको लेना है, तो ये येलो लेना है, ये जो लेमन येलो आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब इस तरह से आपको इसके ऊपर करना है, ये भी बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपको करना है, थोड़ा सा आपको इस साइड में भी करना है इसको। अब ऊपर की साइड अगर आप आते हो तो वहाँ पे भी थोड़ा सा येलो आपको कर देना है इधर, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे आप फोटोग्राफ देखना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसा आपको सेम नहीं करना है, आप अपनी फोटोग्राफ के हिसाब से करना, कैसा आपका रेफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे बना देंगे, अब मैं बना लेता हूँ टाइम लैप्स में इसको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आई जो है कंप्लीट हो गई है, तो कंप्लीट क्या हो गई, मैंने खाली डार्क कर दिया इसको, तो अब बारी आती है यहाँ पे इस थोड़ा डार्क करने की, शेडोज़ बनाने की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा पेंसिल वो होगी ये वाली, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ पेंसिल, थोड़ी डार्क से मेरे को मिल नहीं रही अभी। हाँ तो ये वाली जो है पेंसिल हम लोग यूज़ करेंगे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, मेरे को कलर्स का उतना पता नहीं है अभी, कलर्स में मैं काम नहीं करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। अब इस तरह से करते हैं यहाँ पे इसको डार्क, ठीक है, बिल्कुल लाइट प्रेशर मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा है, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे ये जो है हाईलाइट है, मतलब वाइट एरिया है जहाँ पे शाइन आ रही है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है इस तरह से। ऐसा कुछ आपको जो है कर देना है, यहाँ पे आप जितने चाहो उतने लेयर्स यहाँ पे लगा सकते हो एज पर योर रेफरेंस। तो यहाँ पे अब इस तरफ तो हो गया, यहाँ पे अब हम लोग कर लेते हैं, इस तरफ ज़्यादा डार्क नहीं है, उसी तरफ है ज़्यादा राइट साइड में डार्क, ठीक है। अब यहाँ से जो है शेडो आ रही है तो उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले एरिया यहाँ पे भी होगी यही वाली शेडो, तो करते हैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से। आपको जो है करना है आईब्रो के नीचे आपको डार्क करते जाना है, ठीक है ऐसे, यहाँ तक आपको कुछ डार्क लेके आना है। इस तरह से अब आपको देखना है कहाँ पे कितना डार्क है, तो उस तरह से आप जो है लेयर्स बना सकते हो अपनी। तो बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैं बार बार गलत पेंसिल चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से अब ब्राउन कलर जो है आपको लेना है थोड़ी मोड़ी हाइलाइट्स बनाने के लिए, टूट गई पेंसिल, ठीक है इस तरह से ब्राउन ले लेना है। अब साइड से भी आप थोड़ा सा ब्राउन का इफेक्ट दे सकते हो, लेकिन मैं डिफरेंट ब्राउन जो है यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये सॉइल का कलर आप जो है बोल सकते हो इसको, ठीक है ऐसा, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ, पेशेंस के साथ, बिल्कुल आपको कोई भी वर्क करना है चाहे आप ग्रेफाइट में कर रहे हो, कलर में कर रहे हो, सब पेशेंस के साथ करना है आपको, ठीक है ऐसे। अब मैं पूरे पे कर लेता हूँ इसको। तो गाइस अब यहाँ पे जो है ये तो मैंने कर लिया है, जो लास्ट कलर मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पे डार्क। अब जो है आँख के नीचे, मतलब आइस के जो नीचे का हाईलाइट्स होता है, ऊपर का हाईलाइट्स होता है, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं डार्क पेंसिल लेके। तो यहाँ पे डार्क पेंसिल मैं यूज़ करूँगा ब्राउन, तो ये जो है ब्राउन है, ऐसे इसको कर देना है, ठीक है।
ऐसे। और यहाँ पे इस तरफ आईज में डार्क है तो मैं इसको भी कर देता हूँ। और ये बिल्कुल ऐसा ब्राउन तो नहीं है, थोड़ा तो डार्क ब्राउन है, तो मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाता हूँ डार्क ब्राउन की। ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब यहाँ पे आईज़ के नीचे भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ब्राउन से, और रेड का इफेक्ट जो है दिख रहा है तो रेड भी मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे। ये रेड है इस तरह से। अब यहाँ पे स्किन टोन का जो कलर होता है ये, इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेयर बाय लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा डार्क जो है आपको लेके इस तरह से करना है। ऐसे ही आएंगे आपके इफेक्ट बहुत सारे एरियाज, तो ऐसे आपको कुछ करना है। लाइट प्रेशर के साथ थोड़ा भी प्रेशर आपको अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा करना है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है इस तरह से। ठीक है, ऐसा कुछ ये जो लग रहा है, आप जितना आराम से पेशेंस के साथ बनाओगे कलर पेंसिल में उतना ही अच्छा आपका स्केच लगेगा। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे हो गया। अब नीचे वाले एरिया को मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, ये जो हाइलाइट्स बनाई थी उसी कलर पेंसिल का यूज़ करके। यहाँ पे अब इस कलर का यूज़ करेंगे थोड़ा। कलर्स के साथ आपको खेलते रहना है कलर पेंसिल के स्केच में टू गेट अ बेटर रिजल्ट। ऐसे यहाँ पे करना है। इस तरह से। नाउ वी गोना यूज येलो कलर, तो थोड़ा सा वहां पे येलो का शेड आ रहा है तो उसको जो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब जो कलर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है पेल ऑरेंज, डेप्थ का एरिया दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ से 3D लुक आना चाहिए थिक स्पेस से। चलिए इसको कर देते हैं। तो गाइस पेल ऑरेंज से थोड़ा सा और हम लोग ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे फेस स्किन टोन में इस साइड में दे देता हूँ, फिर रेड से हाइलाइट्स कर देते हैं। ये तो मैंने बताया था आपको, तो मैं टाइम लैप्स में ही दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो कर चलिए इसको कर लेते और हैं अच्छे जहाँ पे से। किसी साइड से आपको लाइट आती हुई दिखती है वहाँ पे आप स्ट्रोक्स लगाओ उस कलर की, स्पेशली बिल्कुल लाइट प्रेशर में, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उधर से लाइट का इफेक्ट आया तो डार्क एरिया से कर दो। पहले आप ब्राउन कलर करो या फिर जैसा भी आ रहा है, फिर ब्लैक से उसको मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे डार्क कर दो, तो वो शेडो वाला इफेक्ट आ जाएगा। जैसे पग पहनी हुई है तो उसकी शेडो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे नोज पे भी आपको सेम स्टेप करना है, लाइट टू डार्क अपनी शेडिंग कर लेनी है, पूरे पे हाइलाइट्स भी आपको जो दिखा देना है। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों शेयर करें ताकि और भी रीच हो सके वीडियो के। जय हिंद, मनी माता, कीप मेकिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप सपोर्टिंग।